हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। तीन दिन पहले भी उसने गाली गलौज औरतों को किया। अगर कोई फर्जी खुद को मार के चला जाता है तो फौरन FIR दर्ज हो जाती है। रात में 1:30 बजे घर में घुस के मारे मेरे औरत बच्चे ने, तो रात में दरवाजा तोड़ के मारे। पूरी बिल्डिंग की औरतों को बोलता है नीचे उतारो, मेरे पास छोड़ो। महिलाओं के साथ नहीं हुए, रफीक कामदार ने मेरे को मारा। जो फैयाद का यहाँ पर पूरा आतंक भी है, छुरी दिखाता है, औरतों को डराता है, छुरी औरतों के आगे लहराता है। वो हम लोग ने उसको पूरा बाजार में दौड़ाए। जब यहाँ रेप हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, तब पुलिस आएगी कि हमारे दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। बोलता ये सब पानी का चूमर है, तू सामने आ, बोले तू चाहिए हमको। मैं एक माले पे खड़ा हूँ, नीचे से वो लगातार गाली गुफ्तार कर रहा है, लगातार धमकियाँ दे रहा है। उस वक्त उसने यहाँ पर औरतों के साथ बदजबानी की थी, घटिया घटिया कमेंट करता, गंदी गंदी बात बोलता। मतलब वो हमारे साथ भी सोएगा, हमारी बेटियों के साथ भी सोएगा। नमाज भी हूँ पार्ट टाइम का, मैं ये सब काम नहीं करता, तू मेरी माँ बहन है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अमृत नगर जुलेखा टावर के बी और सी विंग की महिलाओं ने फयाज शेख नामक युवक पर गाली गलौज अभद्रता का आरोप लगाया है। वही जुलेखा टावर के बीविंग में पत्रकार रफीक कामदार भी रहते हैं। रफीक कामदार ने भी बताया कि महिलाओं पर गंदे बात बोलना, अपशब्द बोलने पर फयाज शेख को कई बार ये खुद समझा चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि बिल्डर से रूम लेने के मामले में फयाज इस कंपाउंड में आता है और ऐसी हरकतें करता है। मगर शुक्रवार को फयाज शेख इमारत के नीचे बैठे तालिब नामक एक लड़के पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, मगर तालिब के भाई ने बचा लिया। उसके बावजूद भी फयाज ने चाकू के मुठिये से तालिब के सिर पर मार दिया। बताया जा रहा है कि तालिब के सिर में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और इसे काफ़ी गंभीर चोटें लगी हैं। इमारत की तमाम महिलाएं फयाज पर गाली गलौज, गंदी हरकतों का आरोप लगा रही हैं, मगर फयाज इन आरोपों को गलत बता रहा है। फयाज शेख का कहना है कि पहले यहाँ पर जुलेखा चावल थी और बिल्डरों ने इसे तोड़कर यहाँ पर बिल्डिंग बनाई, हमारा भी यहाँ घर है। हालांकि बिल्डर रफीक खान ने फयाज को जुलेखा टावर सीविंग में 7वीं मंजिल पर घर भी दिया है, मगर फयाज अक्सर यहाँ कंपाउंड में कुछ लोगों को लेकर आता है और नशा करता है और महिलाओं के साथ अभद्रता और गाली गलौज करता है। कई बार इसकी शिकायत पुलिस में भी की गई है, ऐसा महिलाओं का कहना है। हालांकि शुक्रवार को हुई घटना में फयाज शेख ने रफीक कामदार पर वार का आरोप लगाया है और जिसमें उसे 8 टाके भी लगे हैं। मगर वहीं रफीक कामदार ने भी मीडिया में दिए बयान में कहा है कि कोई खुद चाकू से अपने ऊपर वार कर ले और पुलिस में जाकर इसकी शिकायत कर दे। यानी कि कहीं ना कहीं फयाज ने खुद अपने ऊपर चाकू से वार किया है, ऐसा इनका कहना है। वहीं जुलेखा टावर की महिलाएं बिल्डर रफीक खान पर भी काफ़ी भड़की हुई हैं। सुनिए महिलाओं ने और रफीक कामदार ने क्या कुछ कहा है। जुलेखा टावर बी और सी विंग में हम लोग रह रहे हैं, 12 से 13 साल हो गया हम लोगों को। फयाज है शेख, बहुत ज़्यादा हम लोगों को हैरान करके रखा है। उसके नाम से हम लोग NC लातादा दे चुके, लेकिन पुलिस कुछ इंक्वायरी करती नहीं है। 3 दिन पहले भी उसने गाली गलौज औरतों को किया, लड़कों को मारता है, छोटे बच्चों को बाहर मारता है, बिल्डिंग में लाके मारता है, छुरी दिखाता है, औरतों को डराता है, छुरी औरतों के आगे लहराता है। वो FIR करके आए हम लोगों को, 3 दिन हो गया और 3 दिन में आज तक पुलिस वालों ने किसी ने उसको अरेस्ट नहीं किया है। तो ये बाहर घूम रहा है, तो इस तरह से घूमता रहेगा और हम औरतें परेशान होती रहेंगी, तो इसका क्या जवाब दिया जाए। फयाज शेख है जो हमारी बिल्डिंग में पहले चाली थी जुलेखा चौल, तो उसमें भी टेनेंट था। उसके बाद में बिल्डिंग बनी तो उसको भी घर मिला है। मिलने के बाद में वो इसी तरह सताता था, तो उसने घर बेच के चला गया यहाँ से। तभी भी यही सब फसाद हुए थे यहाँ पर। वो भागने के बाद में बिल्डर है रफीक खान, फोटो की तरह रफीक खान का ये भाई ने उनको फिर लाके यहाँ बसाए 7 माले पे सी विंग में।
इनके पास भी हम लोग बहुत बार कंप्लेंट दे चुके हैं उसकी। फोन करो, फोन नहीं उठाते, बोलते हमको जब आना होगा तब हम आएंगे, ये मैटर में हम नहीं आएंगे। तो भाई रूम बेच के चला गया, चला गया था, इसलिए लाके रखा है उसको वापस। बिल्डर, बिल्डर लेके आया? हाँ बिल्डर, ये बिल्डर ने लेके आया है उसको। अभी वो किस किस को गाली देता है क्या? पूरी बिल्डिंग के औरतों को बोलता है नीचे उतारो, मेरे पास छोड़ो। अब और क्या खुलासे से बोलने का, पूरी बिल्डिंग की औरतों को मेरे पास छोड़ो बोलता है। ये बात आपने वहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में भी बोला है हमने ये बात। और एक बार नहीं, पुलिस की कुछ कुछ इंक्वायरी नहीं करती है पुलिस। आज भी वो घूम रहा है बाजार में। FIR होने के बाद में अरेस्ट किया जाता है कि नहीं? नहीं किया जाता है तो वैसा बताएं पुलिस वाले हमको। पकड़ के रखे हम लोग ने चौकी में, फोन करे कि भाई वो आया है बंदा, उसको पकड़े आरोपी को। तो अभी पुलिस आई एक घंटे के बाद, तो क्या हम लोग जब तक आए भी, वो आदमी की ताकत और हमारी ताकत में फर्क होता है? हम लोग ने उसको पूरा बाजार में दौड़ाए, पुलिस में कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। पुलिस एकदम बेकार है मुमरा की, और हर 8 दिन में 4 दिन में इसका बवाल है। पुलिस अगर सुनवाई नहीं कर रही है तो इसके आगे आप क्या करने वाले हैं? इसके आगे हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग क्योंकि भाई हम लोग घर गृहस्थी वाली औरत है। हम लोग ऐसा बाजारू औरतें नहीं है कि हम लोग रोड पे भागे उसके पीछे, गंदी गंदी गालियां खाए। हमारे बच्चे, हमारे आदमी लोग काम पे जाते, हाँ उनको भी हमको डर है, हमको छुरी दिखाता औरतों को रात में। और इनके इनके घर के आदमी लोग भी ना औरतों को बुलाते है। देखो बोल अमरीन, बोल अमरीन, बोल। रास्ता चलते ना, फोन नंबर मांगते, माइक तो उसके हाथ में, नंबर मांगते, बोलते हैं कि मतलब बच्चे को हाथ में से चॉकलेट देते हैं। औरतों को हाथ करके बुलाते हैं ये लोग, बच्चे वाले हो के बेवा औरतों को, इनकी औरतों को भी हम लोग छेड़ते, सारी औरतों को कमेंट करते हैं लोग। पुलिस कब आएगी? जब यहाँ रेप हो जाएगा, नहीं नहीं, जब यहाँ रेप हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा तब पुलिस आएगी। उनकी घर की औरतें खुद बोलती है कि हमको हमारी लड़कियों के लिए डर लगता है, इनके बाप के लिए। तो तुम बताओ, जब उनकी घर की औरतें ऐसा बोल रही तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि यहाँ पर चरस भी बिकता था, वो तक का हम लोग ने कंप्लेंट करे है। चर्चियों के फोटो हम लोगों ने भेजे, लेकिन उस पर भी कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग बारिश में भीगते हैं, हम लोग डायबिटीज के मरीज है, हम लोग हार्ट के मरीज है, हम लोग चौकी में सुबह से लेके रात तक खड़े रहते, साइन के लिए हम लोगों को ना इतना रखना पड़ता है कि कुछ पूछो मत। उल्टा हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को बिठा देंगे, उसको हैरस मत करो। अब क्या तो बोलते हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं औरतों की हिफाजत करेंगे, हिफाजत करेंगे, उसको हैरस मत करो, तो हम लोग आपको जेल में बिठा देंगे। हम लोग रखने पुलिस, पुलिस बोलती है उसको तुम लोग सताओ मत। नहीं वो किसर का नाम नहीं मालूम है, वो नहीं पता, क्योंकि एकदम दूर से हम लोग को करते ना वो। उस कैयास के पीछे किसका हाथ है, किसके सपोर्ट से? ये बिल्डर, बिल्डर, ये बिल्डर का हाथ है, और तो कोई हाथ देगा हमको नहीं। यहाँ से इनके सब भाइयों को निकालना है, सब भाइयों को निकालना है। हाँ हाँ, ये देखो, ये देखो, ये लड़का, ये लड़का है, ये देखो, ये हमारा इसका ट्यूमर का ऑपरेशन, ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है। नहीं सर, माना मेरा ट्यूमर, इसको बोल दो, तुम लोग बीच में मत, क्या हुआ? बोल बोल, मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, मैं रोड पे बैठा था तो ये आया, मैं तो नमाज पढ़ के आ रहा था तो ये आया, मेरे को इधर पे मारा, इधर ऐसा मारा, और इधर आया था, इधर पे मेरे को छुरी दिखा रहा था, और छुरी से मारा भी सर पे, इधर पे। फैयाज, फैयाज शेख। तो क्या अभी ट्रीटमेंट कराया वगैरह? हाँ, ट्रीटमेंट कराया, शिवाजी हॉस्पिटल में गया था, उधर पे मेडिकल करवा के आया। कंप्लेंट किया? हाँ, कंप्लेंट भी किया, FIR भी किया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही है, अभी तक का अरेस्ट नहीं करी, और परसों आया भी था घर पे, कल भी आके गाली देके गया बिल्डिंग के, कल भी आके गाली देके गया रोज। जैसे कि महिलाएं जो बता रही, इनका कहना है कि वो हथियार दिखाता है, पूरी महिलाओं को गाली देता है, आने जाने वाली महिलाओं की बदतमीजी करता है। हाँ सही बात है, ये जब है ना उधर पे मैं तो दिखा रहा था, ना हम लोग औरतें सेफ है, ना हमारे बच्चे सेफ है, ना हमारे आदमी लोग सेफ है। जबकि बोला जाता है कि औरतों की हिफाजत करो, क्या हिफाजत खाक होगी? जब हम लोग इतना जा जाके बोल रहे हैं कि हमारे दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, चप्पल हमारी खींची जा रही है, तो हम लोग इतना ये करेंगे, मुमरा पुलिस एकदम बेकार है, मुमरा पुलिस नहीं सुनती, मुमरा पुलिस सुनने वाली नहीं है। मैं ना तुमको बोला, पैसे लेने वाली है मुमरा पुलिस, पैसे बिल्डर का फोन नंबर में दिए। भाई इधर आओ, आगे ये रफीक कामदार, ये हमारे एक माले पे रहते हैं भाई। परसों के दिन जो मसला हुआ
वो मसले में भाई को मैंने आवाज देके बुलाई। मैं बोली भाई जरा देखो शायद बच्चों से कुछ मसला हो रहा है। भाई यहाँ से नीचे उतर के आए तो उसको छोड़ के रफीक भाई को धमकी दे रहा है, बोलता ये सब पानी कचूमर है, तू सामने आ, बोले तू चाहिए हमको। तो ये आखिर इसका क्या मुद्दा क्या है, ये क्यों इस तरह से कर रहा है? और अब हम लोगों को ये बिल्डर हटाए या पुलिस वाले हटाए, ये लोग हम लोगों को बिल्डिंग में नहीं चाहिए भाई। बस अभी रमजान में 27वें रोजे को हम लोग रोजा खोले के जस्ट बाद ही मतलब है ना, उसने यहाँ पर हंगामा किया, सब औरतों नीचे उतर गई और फिर इतना है ना लड़कों को मारा, तो लड़कों ने भी फिर मारी है, छोटे छोटे बच्चों को मारेगा तो क्या कब तक के नहीं बर्दाश्त करेंगे, मारे और फिर चौकी गए और चौकी में कुछ सुनवाई नहीं हुई। और ये है ना, ये वहाँ पर चक्कर खा के बेहोश हो गई, 20-25 हम लोग सब गए थे, बेहोश हो गई थी वहाँ पर। तो पुलिस क्या बोलती है कि इनको लेकर जाओ हॉस्पिटल, लेकर जाओ यहाँ से, लेकर जाओ ना तो तुम लोग को अंदर डालेंगे। ऐसी हालत थी मेरी, ऐसी हालत थी, लेकर हम लोग वहीं पर बैठे हुए थे। अब बोले तुम लोग जाओ हम लोग करेंगे, और क्या किया? कुछ भी नहीं, आज तक के कुछ भी नहीं हुआ। अब वो खुलेआम घूम रहे, खुलेआम हम लोगों को धमकी देता है। ये बिल्डर ने लिखवा के लिया था हम लोगों से कि आप लोग बिल्डिंग वाले सब साइन करके दो तो मैं इसको हटाता हूँ। पूरा मुमरा है ये 3 साल से ऊपर हो गया इस चीज को, आज तक बिल्डर इसको हटा ही रहा है। महीने का 5,000 देखो, यहाँ पर फैमिली वाले लोग रहते हैं तो वो जो घटिया घटिया कमेंट करता, गंदी गंदी बात बोलता, मतलब वो हमारे साथ भी सोएगा, हमारी बेटियों के साथ भी सोएगा, तो इतने फ्री नहीं है हम। और ये घटिया इंसान को निकालो यहाँ से, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और हर जगह जो गुंडागिरी कर रहे हैं ना, सब खत्म करो। देखिए कैसा है, ये सबसे पहले जुलेखा चाल थी, चाली को तोड़ करके बिल्डिंगें बनी। जो चाल के बहुत सारे पुराने लोग हैं यहाँ पर, जिनको रीडेवलपमेंट के हिसाब से रूम मिले। अब उसमें कुछ लोग रूम लेने के बाकी है, जैसे आप देख सकते तुम लोग, इधर काम अधूरा है बिल्डिंग का, आगे का ये फ्लोर पूरा हिस्सा बना नहीं है, तो थोड़े तनाजे हैं लोगों के, लेकिन वो बिल्डर के साथ है। अब ये पूरा जो मामला है फैयाज का, ये फैयाज महबूब शेख, ये बंदा जो है ये सी विंग में पहले ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, इनको चाल के रूम के बदले में रूम मिला था, बेच करके यहाँ से चले गए। अब उन्होंने और बिल्डर ने क्या, दोनों के दरमियान क्या उनका मुआहिदा था, क्या करार था, वो लोग जाने। अब उनका कहना है कि बिल्डर उनको और रूम देना है, बिल्डर ने उनको रूम दिया नहीं है, तो ये बिल्डर का उनका मसला है। अब उस मुद्दे को लेकर के बिल्डिंग वालों से लड़ना, बिल्डिंग वालों को गाली गलौज करना, और किसी भी बहाने यहाँ पर अगर बिल्डिंग के बच्चे, अभी ये लॉकडाउन है, पिछले 6 महीने से चल रहा है, बिल्डिंग के बहुत सारे बच्चे कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, या काम पर जाने वाले हैं, लेकिन कहीं अभी जा नहीं पा रहे, तो यहाँ बिल्डिंग के नीचे बैठे रहते हैं। हमारी बिल्डिंग के बच्चे, हमको पता है, हम सब लोग की नज़र रहती है उनके ऊपर। अगर वो किसी बाहरी आदमी को लाते हैं या कोई इधर गलत अगर हरकत करते हैं, तो हम लोग खुद उनको टोकते हैं, डांटते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मारते भी है। उनके माँ बाप को हम बोलते हैं तो वो लोग उनको वैसी सजा देते। अब इनका कहना ऐसा है कि हमारा यहाँ से जो पत्रे के रूम की बैठक थी वो बिल्डिंग के लोगों ने बंद करा दी, हमारा अड्डा था वो बंद हो गया, अब हम बिल्डिंग वालों को तकलीफ देंगे। अक्सर ये लड़ते रहे, कभी मैं इन लड़ाइयों में बिल्डिंग वालों के साथ शामिल नहीं हुआ, सारी चीज़ें मेरे सामने होती रहती थी, मैं देखता रहता था। मुझे जो है फरा आपा है, रेशमा आपा है, जो सेविंग का पूरा देखते हैं, दोनों अक्सर सारी चीज़ें बताते रहते थे। लॉकडाउन था, रमजान महीना था, रमजान महीने के चलते जो है कुछ लोग आए थे, उस वक्त उसने यहाँ पर औरतों के साथ बदजबानी की थी। शुक्रवार को जो मामला हुआ है जुम्मा के दिन, वो तालिब करके लड़का जो है बाहर बैठा था, उसको वहां पर उसने पकड़ा, वहां से एक हमारी बिल्डिंग के आदमी ने छुड़ाया उसको, और उसको यहाँ भेजा, यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे आके बैठा है। यहाँ आने के बाद उसको चाकू से वार करने की कोशिश किया, उसके बाद उसका बड़ा भाई अय्यूब भी मौजूद था, और फिर उसको चाकू की मूठ से जो है ब्रेन ट्यूमर का जो ऑपरेशन हुआ है सर में, उसी जगह पर उसको मारा। अब हम लोग जो है, मुझे फरा आपा ने घर से आवाज दी, मैं नीचे उतरा तो मुझे देखते ही मुझे धमकाने लगा कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। मेरे पास मोबाइल मैं लेकर उतरा नहीं था, मैं ऊपर चढ़ा, वापस मोबाइल लिया मैंने, PI वुलतकर साहब को सबसे पहले फोन किया, उसके बाद उनके बुलाने पर जो है एक आधे पौने घंटे के बाद जो है इधर की बीट की टीम आई, लेकिन तब तक वो चाकू वाकू रख कर भाग गया था। उस दौरान उसने, मैं एक माले पे खड़ा हूँ, नीचे से वो लगातार गाली गुफ्तार कर रहा है, लगातार धमकियां दे रहा है। अब सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर कोई फर्जी खुद को मार के चला जाता है तो फौरन FIR दर्ज हो जाती है,
यहाँ पर जो है एक हमारे बिल्डिंग के लड़के को मारा गया और हम उसकी एफआईआर दर्ज करने गए। कई औरतों को, मुझको, उस लड़के को चाकू से हमला करके, उससे डरा करके जान से मारने की धमकी दी गई। तो उस हिसाब से कार्रवाई करने के लिए भी मतलब इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। तो इस तरीके से जो है ये फैयाद का यहाँ पर पूरा आतंक भी है। अब कब तक औरतें, अभी हम अकेले दुकेले बहुत से लोग हैं, काम पर आते जाते हैं, वो तो उसका काम ही वही है, हथियार लेता है, कभी भी आता है, किसी से भी लड़ता है। अचानक में अगर उसने किसी के साथ में जो है हरकत कर दिया, ऐसे में किसी की जान पर आफत आ गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वही फैयाज महिलाओं से अभद्रता और गाली गलौज से इनकार कर रहा है, अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है और फैयाज इन लोगों पर ही आरोप लगा रहा है। सुनिए। क्या नाम है आपका? फैयाज महबूब शेख। क्या ये जो मामला सामने आया है कि आप महिलाओं की जो है गाली गलौज करते, उन्हें गलत अपशब्द कहते हैं, मेरे घर के मिले मेरी भी फैमिली रह रही है, मेरी भी मां बहन है, मेरे घर के मिले मेरी भी मेंटेनेंस आ रहा है, वो मेंटेनेंस की चक्कर में लोग बिल्डर का साथ दे रहे हैं और रफीक कामदार लोग का साथ दे रहा है। भाई कुछ 80,000 90,000 मुझे बिल्डिंग का मेंटेनेंस आ रहा है, उन लोग ने मेरे को मारे, तीन बार मारे, नेपथ्य एनसीपी लेटर, ये सब कुछ है, और मेरे पर घर के एग्रीमेंट पेपर भी जो बिल्डर ने पेपर एग्रीमेंट बनाकर दिया मुझे, 800 स्क्वायर फीट का। अब बोलते हैं काम रुक गया तो हमने तो रूम नहीं देंगे, रफीक कामदार का कुछ भी नहीं था उसमें, रफीक कामदार 1,000 स्क्वायर फीट का पूरा कांच का रूम बिल्डर ने बनाकर दिया। यही रफीक कामदार था उस टाइम, मेरे को बोलता था 40 नहीं देने से पहले, भैया मैं हूँ ना, मैं तो कांच का घर बनाकर दूंगा, तू मेरे पर भरोसा रख, तू मेरे पर भरोसा रख, तू 40 दे इन लोगों को बनाने के लिए, अरे कुछ अच्छा हो रहा, मैं हूँ ना बनाकर दूंगा। उसके बाद लकी कंपाउंड गिरने के बाद जो बिल्डर ने मेरे को घर बनाने देने का बोला था, उसने रफीक कामदार ने कब्जा कर लिया, घर पर आकर रहने लग गया और जेल में चला गया, उसके ससुर लोग आने लग गए और वो फर्रो और रेशमा मेंटेन समारे और बिल्डर का साथ दे रफीक खान और इंतजार सैयद। नहीं, औरतें जो है ना वहाँ पर काम करती हैं, मेरी माँ बहन है वो, मैं औरतों ने आरोप लगाया कि आप वहाँ कुछ प्रूफ नहीं, हम लोग कुछ इससे पहले भी दस हथियार लेके जाते गए, नहीं भाई, नहीं नहीं, एक रूम नहीं, एक तो दस देते उनको, एक रूम नहीं, एक तो 10 फ्लैट है। आप कभी भी आकर मेरे बारे में पूछिए, उधर गुप्त आकर पूछिए, यहाँ तक लेकर बाजार में पूरे पूछिए मेरा क्या रिकॉर्ड है। आज हम लोग यहाँ पे, मेरी 41 साल उम्र है, आज मेरे नाम पे एक केस नहीं है, कल ये बिल्डिंग के अलावा, जब तक ये बिल्डिंग दिया हो मैंने, इससे पहले हम लोग यहाँ पे निकाले 40 साल, एक रुपये का केस नहीं, कभी कोई धंधे वाले थे 200 रुपये लगा के धंधा भी वो नहीं करते, हम लोग हमारी मेहनत अच्छी की रिक्शा चलाते, वही रिकॉर्ड हमारे बारे में मिलेगा नहीं। आज हमारा घर देने का है, इसलिए ये सब लोग बिल्डर लोग पीछे प्लान बना रहे, एक इंचा सही है, एक नहीं। आपका घर 7वीं मंजिल पर है ना, तो आप नीचे आकर क्यों गाली गलौज करते हो? नहीं काम गाली गलौज हमने किए ही नहीं नीचे आकर, भाई मैं क्यों करूंगा, पागल, मेरी माँ बहन है वहाँ पर, औरतें कहती है कि आप और भी करते हो, वो बिल्डर के बोलने पे कर रहे ना, लोग 80,000 90,000 मेंटेनेंस आ रहा है भाई, और मेरे को काटा है, अब इन लोगों को घर देना है मुझे, तो अब लोग बोलते तो घर नहीं देंगे। तो अभी आपने 7वीं मंजिल पे एक घर लिया है ना? मैं तो लीफ रूम दिया है, पूरा घर में बारिश का पानी आ रहा है, मेरा तो 800 स्क्वायर फीट का घर निकलता ना, वो तो ना आप घर आकर देख लीजिए, मेरा घर कितने बी में था या सी में? बी में था मेरा घर। तो अभी तो आपको सी में मिला है ना? सी में सातवा माला दिया है, मैं 40 वाला रहकर, मेरा घर एक माले पे रहकर मुझे 7वां माला दिया है, वो भी लीफ रूम दिया है, आप आकर देखिए मेरे घर में कितना पानी आ रहा था, कितना, उसके पहले भी 4 महीना फोन किया लोग, अभी तक बारिश से अभी तक घर पे नहीं है। और कल क्या रफीक कामदार को आया, क्या मालूम कैसा लड़ गया, क्या कुछ लेना देना नहीं, उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ, ये बीच में उछारी मार रहा है, अब लोग काम चालू करने का है, क्या वो जो 32 16 30 महिलाओं का कहना है कि रफीक कामदार जो है वो बीच में आकर आप गाली गलौज दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात, झूठ बात। इस दौरान आप महिलाएं बात में उतरी बिल्डिंग से, महिलाएं बात में उतरी, पहले रफीक कामदार मेरा झगड़ा हो गया नीचे, उसके बाद में महिलाएं उतरी, रफीक कामदार सबको फोन करके उतारा नीचे, इसके बाद कल भी मैं चौकी से जाने के बाद कल घर पे धरा कपड़े करने, तो महिलाएं कल मार्केट तक आई थी मेरे को मारने के लिए, मैं निकल के भाग गया कि चौकी में जाकर मारपीट हुई थी क्या वहाँ पर? महिलाओं के साथ नहीं है, रफीक कामदार ने मेरे को मारा। आपको मारा? हाँ, ऐसा वार मारा, 12 टाके आए यहाँ पर, सर में आया, सर में मार लग गया, सर की पट्टी निकाल दिया। लेकिन रफीक कामदार ने भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने मारने का जिक्र नहीं किया। नहीं मारे, वो तो मीडिया वाला, वो तो प्रेस वाला तो कुछ भी बोलेगा। देखो ना आप मेरे गुमराह में गाली गलौज कर रहे थे। नहीं नहीं भाई, आप और भी है ना वहाँ पे, मुबीन बिल्डिंग अपार्टमेंट है, उधर पर जाकर पूछिए, और 110 फ्लैट है, 10 औरत है ना, और 110 फ्लैट है, उधर जाकर पूछिए, हर फ्लैट से आप जाकर पूछिए मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, कैसा, मेरे बाजू में 7 फ्लैट और है, उनसे जाकर पूछिए मैं कैसा हूँ। हाँ, काहे से मारे? ये कुछ स्टील की पट्टी या कुछ था उसके हाथ में, चॉपर जैसा कुछ था।
वो तालिब तालिब रफीक कामदार और हकीम और एक रेशमा का भाई वो ये चारों जन पकड़ के मेरे को मारे। इससे पहले भी 10-15 और लोग ने पकड़ के मेरे को रात में 1:30 बजे घर में घुस के मारे मेरे और बच्चे ने तो रात में दरवाजा तोड़ के मारे तो मैंने मेरे को मार के घर के अंदर फिर तक चले गए थे। मैंने 100 नंबर पर फोन किया, सैयद साहब को बुलाया फोन करके, लोग आए उनको यहाँ से चौकी लेके गए। ठीक, अभी आप मारने का जिक्र कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मारा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ, अब वो तो कैसे गुनाह तो कबूल करेगा नहीं। महिलाओं का आरोप है कि आप महिलाओं की जो अभद्रता करते हैं वहाँ। नहीं भाई, कहाँ तक सही है? मैं गलत है, सब झूठ बातें, मैं नमाज भी हूँ, पार्ट टाइम का मैं ये सब काम नहीं करता, तू मेरी माँ बहन है। वही दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल फैयाज की शिकायत महिलाओं ने पुलिस में की है और फैयाज ने भी शिकायत पुलिस में की है। मामला अब पुलिस के पास है, पुलिस जांच करेगी कि आखिर इसमें सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ। ये पुलिस जांच में ही सच सामने आएगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।